की हलचल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कुल्लू मनाली हिल स्टेशन पर पूरे साल जिन नजारों को लेने का हम इंतजार करते हैं, वो टाइम अब शुरू हो चुका है। न्यू ईयर भी लगभग बहुत ही पास है और ऐसे में आप मेरे पीछे स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे होंगे 28 दिसंबर को जो स्नोफॉल हुई है ना, उसने पूरा समा बांध दिया है। कुल्लू मनाली, सोलांग वैली, पार्वती रिवर, जितनी भी जगह है वहां पर नजारा बिल्कुल एकदम गजब का हो चुका है। और अगर आप न्यू ईयर पर जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। मनाली जाने से पहले जो आपको पता होने चाहिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और आज का वीडियो। इससे पहले अगर आपने YT भारत चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए रेड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, जाके क्लिक करो, बेल आइकन को दबाओ, ऑल को सेलेक्ट करो ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। YT भारत के 300 से ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए ट्रैवल रिलेटेड आप जाकर के ये YT भारत पर जाकर के YouTube पर सर्च करिए और सारे सवालों के जवाब, ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, YT भारत फेसबुक, YT भारत पेज पर जाइए, देखिए वीडियोस को वॉच करिए, कुछ कमेंट करना चाहते हैं करिए, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। एक एक करके आपको सवालों के जवाब भी देंगे और जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 28 दिसंबर 2020 को जो स्नोफॉल हुई है उसका इंपैक्ट लगभग अब 10 दिनों तक होने वाला है। मनाली के आसपास अगर आप जा रहे हैं न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने के लिए, कसोल जा रहे हो, पार्वती रिवर जा रहे हो, कुल्लू मनाली आ रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं ये स्नोफॉल का इंपैक्ट 10 दिन तक लगभग रहेगा। सोलांग वैली के अंदर आप जाकर के बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी होती है, पैराग्लाइडिंग होती है, जिप लाइनिंग होती है, आपकी रोप वे होता है, इसके अलावा आप कर सकते हैं वहां पर स्नो स्कूटर की राइड कर सकते हैं, ATV राइड कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, फोटोग्राफ क्लिक करा सकते हैं। आप पार्टनर के साथ जाएं, फैमिलीज के साथ जाएं, फ्रेंड के साथ जाएं, बच्चे लोग करके मजा करिए स्नो वैली, जिसे हम सोलांग वैली के नाम से जानते हैं। अगर अटल टनल की बात करें, हमटा पास की बात करें, तो उसका रास्ता अभी फिलहाल के लिए बंद हो गया है। 28 दिसंबर को जो बर्फबारी हुई थी, 29, 30, 31 तारीख तक लगभग ये रास्ते आपके बंद रहेंगे, उसके बाद ये रास्ते खोल सकते हैं। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि मनाली का सबसे अच्छा व्यू, पूरा कुल्लू मनाली, सोलांग वैली, पार्वती रिवर वैली का जो व्यू है वो सबसे अच्छा कहां से आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, वो आएगा आपका बिजली महादेव के पीक से। वहां पर जाइए और अगर आपके पास ड्रोन कैमरा है तो वहां वो ले जाइए और वहां से नजारा लीजिए। अगर फॉग कम होगी तो ये पूरी वैली का नजारा इतना गजब का होगा, इतने अच्छे आपके शॉट्स आने वाले हैं कि क्या कहने। वहां पर अगर आपको जाना है या आपको किसी भी मनाली के अदर रीजन में जाना है, सोलांग वैली में बर्फबारी के टाइम पर जब पूरे रास्ते में स्नो होती है तो आपको 4x4 का व्हीकल करना होता है, वो आप हायर करके यहां पर जा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब एक एक करके आपके सवाल लेना स्टार्ट कर देते हैं। पहला सवाल आ रहा था कि क्या न्यू ईयर पर मनाली में होटल आराम से मिल पाएगा अगर आपने पहले से बुक नहीं कराया है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि मनाली के अंदर अभी की सिचुएशन की बात करें तो 99.99% की होटल की अकम्पेंसी हो चुकी है, बुक हो चुके हैं न्यू ईयर के आसपास के टाइम के लिए, 31 तारीख के आसपास के लिए। तो अगर आप न्यू ईयर पर जा रहे हैं मनाली, तो या तो आपको टेंट के अंदर स्टे करना पड़ेगा मनाली से थोड़ा दूर, या जो भी आपको होटल रूम्स मिलेंगे वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल ये है आपका कि क्या व्हाइट क्रिसमस तो नहीं मिला, व्हाइट न्यू ईयर मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, मैं जहां तक चेक कर पा रहा हूं कि व्हाइट न्यू ईयर होने की इस साल बहुत कम संभावना है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 10 दिनों तक इसका इंपैक्ट रहेगा। 28 दिसंबर को जो स्नोफॉल पड़ी और 31 तारीख से पहले अगर कोई स्नोफॉल पड़ जाती है यहां पर 30 तारीख के आसपास, तो क्या कहने, मजा ही आ जाएगा। लेकिन 31 और पहली तारीख को 2021 की संभावना बहुत कम है व्हाइट न्यू ईयर होने की। अगला सवाल आप लोग कर रहे हैं कि कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेने की रिक्वायरमेंट है, कैरी करने की रिक्वायरमेंट है अगर आप मनाली जा रहे हैं तो। 5 जनवरी तक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुल्लू मनाली के अंदर कोई भी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप जा सकते हैं। अगला सवाल है आपका, क्या पर्सनल कार ले जा सकते हैं या बाइक से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, स्नो के अंदर ये दोनों ही चीजें स्किट होती हैं। अगर आपकी गाड़ी 4x4 की है, जिप्सी है या कोई और गाड़ी है, हैवी गाड़ी है, फॉर्चूनर है, 4x4
या आपकी जीप कंपास है, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो 4x4 हैं, अगर आपके पास हैं तो आप ले जा सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। अगर नॉर्मल गाड़ी है तो स्नोफॉल के अंदर स्किट होगी, बहुत लंबे जाम मिलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाइक की बात करें या कार की बात करें, ले जा सकते हैं, लेकिन गूगल पर देख लीजिएगा कि स्नोफॉल की क्या कंडीशन चल रही है। लाइव जिस दिन स्नोफॉल चल रही होगी उस दिन अपनी गाड़ी को ले जाना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। और बहुत एक्सपर्ट अगर ड्राइवर हैं, 4x4 की गाड़ी है तो आप कैरी कर सकते हैं। अगला सवाल है, न्यू ईयर पर क्या मनाली के अंदर पार्टी करने का मौका मिलेगा? तो दोस्तों मेरे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग तो मनाली पर पब्लिक गैदरिंग के बारे में अभी मना हो चुका है। हो सकता है कोई चांसेस हो आप पार्टी कर पाएं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पब्लिक गैदरिंग मना हो रखी है। मेरे अकॉर्डिंग आप न्यू ईयर पर अलग से कोई पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, बस आप घूम पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे फैमिली फ्रेंड के साथ। अलग से न्यू ईयर पर जो पहले पार्टी होती थी, अलग से बोनफायर पूरा सब कुछ होता था अरेंजमेंट, वो इस साल मुश्किल है कि आपका हो पाएगा। अगला सवाल है कि कितने साल के बेबी को लेकर के हम मनाली जा सकते हैं या आसपास के रीजन में जा सकते हैं? तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग 3 साल या उससे ज्यादा के ईयर के बेबी को आप लेकर के जाइए मनाली आसपास के रीजन में, क्योंकि माइनस के अंदर तापमान होता है तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, और वहां पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो पहले से ही कम होता है, स्नोफॉल के टाइम पर बहुत कम हो जाता है, तो वहां पर लाइफ पर रिस्क हो सकता है छोटे बच्चों की। तो मैं कभी भी अपने चैनल पर रिकमेंड नहीं करता 3 साल या उससे कम के बच्चों को आप लेकर के जाएं। 3 साल से ज्यादा के बच्चे अगर फिट हो तो वो भी अच्छी तरह से कपड़े पहना करके वार्म क्लोथ आप ले जाएं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या कैरी करना चाहिए खास करके जब इतनी ज्यादा कोल्ड पड़ रही हो, माइनस के अंदर टेम्परेचर हो? तो दोस्तों हॉट वाटर बॉटल जरूर लेकर के जाएं, उसके साथ साथ अच्छे शूज लेकर के जाएं जो स्नो के अंदर कम वहां पर स्लिप हो। बाकी तो आप वहां पर स्नो बूट्स ले सकते हैं, गम बूट्स ले सकते हैं, कम से कम 4 से 5 जोड़ी जुराब लेकर के जाएं, क्योंकि जब भी आप जाएंगे बाहर कोल्ड में जुराब पहन करके जाएंगे, शॉक्स पहन करके जाएंगे, गीली हो जाएंगी, और वापस जब आप आएंगे होटल के कमरे में तो सूखेंगे कि नहीं, क्योंकि धूप होती नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं धूप होने के, और हीटर में आपकी जब शॉक्स सूखती हैं तो बहुत टाइम मिलती है, 1 दिन ले लेती हैं। इसके अलावा आप अम्ब्रेला कैरी करिए, रेनकोट आप कैरी कर सकते हैं, वार्म क्लोथ में स्वेटर जैकेट से सब आप लेकर के जाइए। नेक्स्ट आ रहा है, सोलांग वैली में क्या स्नो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो दोस्तों मैंने पहले बताया 28 दिसंबर को जो स्नो पड़ी है 10 दिन कम से कम इंपैक्ट रहेगा, और इसके बीच में स्नो फिर पड़ेगी। सोलांग वैली बिल्कुल जन्नत हो चुका है, मजा ही आ जाएगा, एक बार जाओगे तो अलग ही लेवल आपको मिलेगा सोलांग वैली के अंदर, इतना ज्यादा अच्छा फील होता है। पीछे आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, सोलांग वैली के भी आप नजारे देख रहे हैं, आपको मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये सब सवाल थे मेन जिनका जवाब मैंने आपको देने की कोशिश करी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं YT भारत पर आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट करके आप बेधड़क पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं YT भारत के तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, मेरे को बूस्ट मिलता है, एनकरेज मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छा और कंटेंट लाने के लिए, मैं इंटरेस्टेड हो जाता हूं। अगला वीडियो आपका कश्मीर के बारे में होने वाला है, हनीमून पर, कि कश्मीर हनीमून पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या कैरी करना चाहिए मेल्स और क्या कैरी करना चाहिए फीमेल्स को। ये वीडियो देखने के लिए YT भारत के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमेशा YT भारत चैनल पर बने रहना। मिलते हैं इसी तरह के अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में YT भारत पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल